का सुभद्र काम काम पीय वासिनी जिन्हें अम्बा अम्बिका और अम्बालिका जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जो सुभद्रिका और काम पीय वासिनी जैसे नामों से जगत में विख्यात है, हम सब उस माँ अम्बा के प्रत्येक रूप को प्रणाम कर उनका आवाहन करते हैं। तालुका नाता, जिला बनासकांठा, राज्य गुजरात, यही अंबिका वन में आलसों की पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में अरावली की पुरानी पहाड़ियों में गब्बर पर्वत पर विद्यमान है अम्बा जी माता का ये मूल पवित्र स्थान, जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च ब्रह्मांडीय शक्ति का उद्गम स्थल है। देवी पुराण में वर्णित माँ शक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक इस प्राचीन मंदिर में करोड़ों श्रद्धालु माँ अम्बा का आशीर्वाद लेने आते हैं। इन शक्ति पीठों के बनने के संदर्भ में अनेक पौराणिक कथाएं जनमानस में प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा है प्रजापति दक्ष और माँ सती की। एक बार प्रजापति दक्ष ने संसार का पूर्ण रूप से संचालन करने हेतु एक सभा बुलाई। उस सभा में सभी देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उपस्थित थे। प्रजापति दक्ष के आगमन पर सभी उपस्थित देवताओं ने अपने स्थान पर खड़े होकर उनका आदर किया, परंतु भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया। इस बात से क्रुद्ध होकर महाराज दक्ष ने कहा, शिव, मेरे आगमन पर सभी उपस्थित देवताओं ने अपने स्थान पर खड़े होकर मेरा अभिनंदन किया, लेकिन तुमने ऐसा न करके मेरा अपमान किया है। तुम जैसे मुंडधारी गले में नारद को लपेटे, शरीर पर शमशान की भस्म लपेटे प्रेत को तो इस सभा में बुलाना ही नहीं चाहिए था। परंतु मेरे दामाद होने के कारण तुम्हें इस सभा में बैठने की अनुमति है। ये सब ज्ञात होते हुए भी तुम्हारा यह दुर्व्यवहार हमें स्वीकार नहीं है। हे प्रजापति, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने खड़े ना होकर आपका अपमान किया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरी अर्धांगिनी सती के पिता हैं, मैं भला आपका अनादर कैसे कर सकता हूँ। मेरे हृदय में आपके लिए सदैव आदर एवं प्रेम ही है। तुम अपने प्रपंचों से मेरी पुत्री सती को भ्रमित कर सकते हो शिव, परंतु मुझे नहीं। मैं अभी तुम्हें इस दुराचार का दंड दूंगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ शिव कि इस संसार में अब जब भी कोई यज्ञ का आयोजन होगा तुम सभी यज्ञों से बहिष्कृत रहोगे। तुम्हें किसी भी यज्ञ में पूजा नहीं जाएगा। प्रजापति दक्ष के इस श्राप से तो मानो जैसे पूरे संसार में पूजा पाठ करना ही निषेध हो गया था। शिव की आराधना किए बिना भला कोई यज्ञ कैसे आयोजित कर सकता है। तब नारद मुनि अपने भ्राता दक्ष को समझाने उनके पास पहुंचे और उनसे कहा, नारायण नारायण भ्राता दक्ष, क्रोध के वशीभूत आपने तो देवों के देव महादेव को ही श्राप दे दिया। ऐसा लगता है कि संसार में ना तो अब पूजा पाठ होंगे और ना ही यज्ञ होंगे, क्योंकि महादेव की आराधना किए बिना तो सब पूजन विधान अधूरे ही रहेंगे। यह केवल आपका भ्रम है भ्राता नारद, केवल भ्रम। आपको और समस्त संसार वासियों को अगर ये भ्रम है कि उस अघोरी शिव के बिना पूजा पाठ या यज्ञ नहीं हो सकते, तो मैं स्वयं ही एक यज्ञ का आयोजन कर सभी की शंकाओं पर पूर्ण विराम लगा दूंगा। प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक उत्तम यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए प्रजापति ने
ब्रह्मा विष्णु इंद्र एवं सभी अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु अपनी बात सिद्ध करने हेतु उन्होंने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को ये ज्ञात हुआ तो वो स्वयं ही यज्ञ में सम्मिलित होने एवं अपने पिता से मिलने कनखल जा पहुंची। सती को देखकर प्रजापति दक्ष क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी ही पुत्री का तिरस्कार करते हुए कहा, जब तुम्हें और तुम्हारे शिव को निमंत्रण ही नहीं दिया गया तो तुम इस यज्ञ में क्या करने आई हो सकती? यह उत्तम यज्ञ है, जाओ, यहाँ तुम्हारी या तुम्हारे शिव के लिए कोई स्थान नहीं है। पिताश्री, आप मेरे स्वामी शिव की निंदा बंद करें। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि बिना शिव की आराधना किए कोई यज्ञ सफल भी हो सकता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है पिताश्री, बहुत बड़ी भूल। कैसी भूल? इस यज्ञ में जिन देवताओं को उपस्थित होना चाहिए था वे सभी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ संसार को भ्रमित करने वाले तुम्हारे अधूरी शिव की कोई आवश्यकता नहीं है। पिताश्री, मैं फिर कहती हूँ कि शिव निंदा बंद करें। मुझे लज्जा आती है ये कहने में कि मैं आपकी पुत्री हूँ। मैं अब इस देह में रहकर आपकी पुत्री बनना अस्वीकार करती हूँ। मैं अभी इस अग्निकुंड में कूद कर अपनी देह का त्याग करती हूँ। भगवान से पीड़ित सती ने अग्निकुंड में कूद कर प्राणाहुति दे दी। सती की मृत्यु का वृत्तांत जानकर क्रोधित शिव ने प्रलयकारी तांडव प्रारंभ किया। पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत में भी स्थित है।
प्रत्येक श्रद्धालु की ये मनोकामना होती है कि वो इन 51 शक्तिपीठों के दर्शन कर सके, परंतु वर्तमान समय में इन 51 शक्तिपीठों के दर्शन करना हर किसी श्रद्धालु के लिए संभव नहीं है। इस असुविधा के निवारण हेतु या कहें श्रद्धालुओं की 51 शक्तिपीठों के दर्शन की मनोकामना भी इस धाम पर पूर्ण हो जाती है। गब्बर पर्वत की 3 किलोमीटर की परिक्रमा में 51 शक्तिपीठों के मूल मंदिरों की प्रतिकृतियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये सभी मंदिर मूल मंदिर की प्रतिलिपि है और इनमें वैसे ही पूजा अर्चना की जाती है जैसे कि मूल मंदिर में होती है। माँ आद्य शक्ति के वैसे तो अनेक रूप है, लेकिन श्री आरासुरी अंबाजी से जुड़ी एक और कथा जनमानस में प्रचलित है, जिसमें मां के दिव्य महिषासुरमर्दिनी के रूप का उल्लेख है। देवी भागवत पुराण में वर्णित ये कथा है महिषासुर की, जिसका संहार मां शक्ति ने किया था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी मनुष्य पशु या देव नहीं मार सकता। वरदान मिलते ही जब महिषासुर ने तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया, वो अत्याचार का जीवंत प्रतिमान बन चुका था। अब कोई भी देवता या मनुष्य मुझे परास्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के वरदान से तो मैं अंधकार को भी चुनौती दे सकता हूँ। विष्णु और महेश ने सर्वोच्च मूल ब्रह्मांडीय शक्ति महादेवी आद्य शक्ति की पूजा की, जिससे देवी शक्ति ने 10 हाथों सहित देवी दुर्गा का सुंदर रूप धारण किया। लगातार 9 दिन और 5 तक चले इस युद्ध के अंतिम 10वें दिन मां दुर्गा ने अपने पवित्र खड्ग से महिषासुर का वध किया और महिषासुर मर्दिनी के नाम से जगत में विख्यात हुई। शीर्ष पर सुशोभित है।
ये भारत का एकमात्र शक्तिपीठ है जहाँ लगभग 358 स्वर्ण कलश मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। देवी शक्ति को ब्रह्मांड के सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में माना जाता है। श्री आनासुरी माता अम्बा जी के निज मंदिर में देवी की कोई मूर्ति या चित्र नहीं है, बल्कि मंदिर की भीतरी दीवार में गोख जैसी एक गुफा है जिसमें संगमरमर से निर्मित एक पवित्र वीशा यंत्र स्थापित है। ये भी मान्यता है कि ये वीशा यंत्र नेपाल के मूल यंत्रों और उज्जैन शक्ति पीठों से भी जुड़ा हुआ है। इस वीशा यंत्र में इतना तेज है कि इसकी पूजा यहाँ के पुजारी आज भी आंखों पर पट्टी बांध कर करते हैं। निज मंदिर के पवित्र गोख में विराजमान देवी शक्ति को एक दिन में 3 रूपों में सजाया एवं पूजा जाता है। प्रातःकाल में महामारे के बाल रूप को प्रसाद के रूप में बाल रूप के साथ पूजा जाता है, तो दोपहर को सोने के थाल में राजभोग प्रसाद के साथ यौवन रूप की पूजा की जाती है। सायंकाल में सायं भोज के साथ प्रवाह रूप में उन्हें पूजा जाता है। मुख्य मंदिर में स्थापित मांगा की चांदी की पालिका हो या माँ के गोख के ठीक सामने देवी के पवित्र सिंह की मूर्ति हो, भक्त श्रद्धा भाव से अपना शीश झुकाते हैं। श्रद्धालु माँ के शेर को कंकु पूजा करके पूजते हैं। इसी निज मंदिर के सामने चाचा चौक है जहाँ एक अखंड ज्योत आज भी प्रज्वलित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस अखंड ज्योत को माँ अम्बा के भक्त अखेराज ने प्रज्वलित किया था। हर युग में माँ अम्बा ने अपने भक्तों का उद्धार किया है और उन भक्तों में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का नाम भी आता है। त्रेता युग में घटित ये किंवदंती आज भी यहाँ सुनाई पड़ती है। माना जाता है कि सीता माता की खोज करते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण अर्बुदा के जंगलों में आ रहे थे। यहाँ उनकी भेंट ऋषि श्रृंगी से हुई। ऋषि श्रृंगी ने ही श्री राम को देवी शक्ति की आराधना करने के लिए प्रेरित किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जब देवी की आराधना की तो माँ अम्बा ने उन्हें दर्शन दिए। हे राम, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे जगत जननी, हे सर्वेश्वरी, आपका दर्शन प्राप्त करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। आप सब व्यापी हैं, सब जानती हैं। अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहती हैं तो कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे इस संसार का कल्याण हो सके।